लद्दाख से बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख में 26 जवानों से भरी बस नदी में गिर गई। इस हादसे में सेना के 7 जवानों की मौत हुई है और कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद जवानों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई और कई को गहरी चोटें भी आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उसी हादसे की तस्वीरें हैं। आपको इससे अंदाजा लगेगा कि बस कितनी गहराई में गिरी है और ये एक्सीडेंट कितना भयानक था। यह हादसा थोई से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ, जहां सेना की बस शोक नदी में करीब 50 से 60 फीट गहराई में जा गिरी, जिसमें सेना के सभी जवान घायल हुए। सभी जवानों को परतारपुर के 403 फील्ड अस्पताल पहुंचाया गया और ले से सर्जिकल टीम को परतारपुर भेजा गया। हालांकि इसमें से 7 जवानों की जान नहीं बचाई जा सकी। सेना की बस किन कारणों से सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। इस घटना को लेकर सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जवानों की बस ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ के अग्रिम स्थान की ओर जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हो गया। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूं, जिसमें हमने अपने वीर सेना के जवानों को खो दिया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वाकई में ये बहुत दर्दनाक हादसा है जो सेना के गाड़ी के साथ हुआ है। अब आगे जब जांच होगी तो इस पूरे हादसे की सच्चाई सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।